जय श्री श्याम, वेलकम टू माय चैनल हनी बी व्लॉग्स। तो ये मेरा बेटा वैदिक और ये मैं। तो डेली तो मैं व्लॉग्स नहीं लेके आ पा रही क्योंकि इतनी मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती और डेली मुझसे कैमरा उठा के रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा। लेकिन कभी कभार ओकेजनली हम लोग कुछ कहीं दूर दूर जा रहे हैं, कुछ खास है तो कर लेते थोड़ा सा रिकॉर्ड। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर भगवान के दर्शन करने भी और कुछ बाहर खाने पीने भी। तो मैं सोची थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। दिखाती हूँ आगे क्या क्या हम लोग करते हैं। बाय। तो ये है सदाशिव में इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है ये। और ये बाहर का मेन गेट हो गया और वो अंदर का मंदिर। वैसे मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है और इसके अंदर का तो मैं जैसे छत पे जो डिज़ाइन वगैरह बनाई भी है वो तो मैं रिकॉर्ड करना भूल ही गई, वरना मैं आपको दिखाती कि बहुत सुंदर है। ये है मेरा भाई और भाभी, भाई ने भतीजी को गोद में ले रखा है। बहुत दिन हो गए थे, हम लोग भी कहीं गए नहीं थे, तो मैंने उसको बोला कि चलो चलते हैं, भगवान के दर्शन भी करेंगे और बाहर कुछ खा पी के भी आएंगे। तो हम ये तीनों, मैं और वैदिक, हम पांचों आए थे। तो ये मंदिर साइड में जिन्होंने मंदिर बनाया था उनके माताजी और पिताजी की मूर्तियाँ लगी हुई है। ये जा रहा है वैदिक। वैसे ज़्यादा ठंड तो नहीं थी लेकिन घर से बाहर निकलते हैं थोड़ा आउट में मंदिर है तो यूँ था कि हवा भी थी थोड़ी बहुत, तो बच्चों को तो वैसे भी जल्दी पकड़ ही लेती, तो उसको थोड़ा केप लगा के लेके आई थी मैं। और ये मंदिर आरती हुई थी जस्ट, हम लोग पहुंचे तब आरती हो चुकी थी, और शाम की आरती। और ये सारी जो मूर्तियां, ये फोटो आप जो देख रहे हो, ये जो बना हुआ है डिजाइन, ये सारा मंदिर की फेरी में बना हुआ है और ये सब चांदी से बनाई हुई है। ये कुबेर जी का था, ये शिव दरबार बनाया हुआ था शिव जी का परिवार। और ये है, इसे धूना बोलते हैं, मतलब ये 24 घंटे जलता रहता है धूना। यहाँ भी सब धूप लगा लेते हैं, बबूती ले लेते हैं। ये मैं, ये वैदिक को खिला रही हूँ कि थोड़ी सी खा लो, मतलब ये भी एक प्रसाद के जैसा ही होता है जिसे सब लेते हैं, तिलक करते हैं इसका। और वैदिक को ये बहुत टेस्टी लगती है तो दोबारा घूम के आया कि मेरे को फिर से खिलाओ, तो इसको दोबारा खिलाया है। ये देखो वापस आया है खाने के लिए कि मेरे को और खिलाओ, वैसे खाने में टेस्टी लगती है ये। ये मंदिर के बाहर गेट के बाहर तो आपने वो सिंह रखे हुए थे, शेर थे, और थोड़ा उससे पहले दो हाथी रखे हुए हैं दोनों तरफ। तो वैदिक था हाथी, हाथी जाओ, मैंने कहा घूम ले। और ये आ गए हम लोग दाल बाटी खाने इच्छापूर्ण से निकलने के बाद, रतनगढ़ रोड पे ही इच्छापूर्ण से निकलने के बाद एक मदन होटल करके आता है, वहाँ पर हमने ली थी एक थाली जिसमें एक दो सब्जी, दाल, दही, रोटी और थोड़ा सा चूरमा था बाटी वाला। और एक हमने लिया था दाल बाटी चूरमे की प्लेट, उसमें बाटी, दाल, चूरमा और लहसुन की चटनी थी। लहसुन की चटनी तो पूछो मत यार, गजब चटनी थी। तो बस यही था व्लॉग, हमने क्या किया वो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।